अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स रिटेलर ये इस तरह के रिटेलर हैं दैट दू, सेल प्रोडक्ट नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स टू तो द एंड कंज्यूमर टू द फाइनल यूजर अब नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स या से क्या मुराद है यहाँ पे? ये वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी नॉर्मली यूजेज लेस देन थ्री ईयर्स वन टू तो थ्री ईर्यर्स के ऊपर जो कि स्पैन के ऊपर ये काउंट करती है और नॉर्मली नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है, दे आर कंसिडर्ड एज लेट से फूड प्रोडक्ट्स लट्स से क्लोथिंग, ए क्लोदिंग शूज़ ये वो तमाम नॉर्मल जनरली एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के रिटेलर्स भी पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि मेजर कस्टमर का जो कंजम्पशन है दैट इज़ फूड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स और द फार्मेसी और मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स और क्लोथिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स और लेट्स से शूज रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो यही ट्रेंड आपको पाकिस्तान के हवाले से भी नज़र आएगा और यही ट्रेंड आपको इंटरनेशनली भी नज़र आएगा कि जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के रिटेलर्स हैं दे आर ग्रोइंग विद मच फास्टर फेस रादर देन एज कम्पेयर टू द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स रिटेलर दो तरह के टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं ये भी अनऑर्गनाइज रिटेलर भी हैं और ऑर्गेनाइज रिटेलर भी हैं जब हम इस कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगेन थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर के तौर पे काम करें पाकिस्तान में एंड दे आर सेलिंग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रोडक्ट्स को इन द कंट्री एंड दीज प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली फूड प्रोडक्ट्स जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया मेडिसन प्रोडक्ट्स हैं शूज़ हैं क्लोदिंग है ज्वेलरी है, और अनऑर्गेनाइज तरीके से भी काम कर रहे हैं सो so, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज तरीके से नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को फूड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं टू दी एंड कंज्यूमर इसी तरीके से अगर मैं इसको रिव्यू करता हूँ तो हमारे पास चेन रिटेल आउटलेट्स भी मौजूद हैं जो कि एक प्रॉपर तरीके से चेन की सूरत में काम कर रहे हैं पूरे पूरे कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से रिटेलर्स हैं जो कि सिंगल स्टोर बेस्ड मौजूद हैं ये वो रिटेलर्स हैं नॉर्मली विच आर हैविंग देयर वन आउटलेट और ऑपरेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से ज़्यादातर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है और आप भी ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि नॉर्मली जो सिंगल रिटेल आउटलेट के तौर पर काम कर रही है वो नॉर्मली अनऑर्गेनाइज्ड हैं और जितने लोग एज ए चेन रिटेल आउटलेट के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स रिटेलर को समझने के लिए लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि आपको हेल्प करेंगी प्रॉपर तरीके से सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है एक फार्मेसी रिटेल की फार्मास्यूटिकल रिटेल की जो कि हमारे पास फजल दीन की एग्जाम्पल इज वन ऑफ दी वन ऑफ द रिटेलर जो कि नॉन ड्यूरेबल लेट्स ए मेडिकल प्रोडक्ट्स के अंदर फार्मेसी प्रोडक्ट के अंदर सेल करता है प्रोडक्ट्स टू दंज्यूमर इट इज़ नॉट ओनली फज़ल दीन हमारे पास एग्जाम्पल होगी यहाँ पे फज़ल दीन के अलावा हमारे पास सर्वेट की एग्ज़ाम्पल है हमारे पास डी वॉटसन की एग्जाम्पल है और इस तरह की बे इतहा ग्रीन फार्मेसी की एग्ज़ाम्पल है और भी बात बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो कि फार्मास्यूटिकल के अंदर यू कैन डिस्कस फिर एक इसी तरीके से हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आपके सामने डोसे की मैंशन की है अब इट इज़ नॉट ओनली डोसे फॉर सेलिंग नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हमारे पास यू कैन हैव गोरमे की एग्जाम्पल यू कैन हैव कोस्टारी की एग्जाम्पल यू कैन हैव शेजान की एग्जाम्पल यू कैन हैव राहत बेकरी की एग्ज़ाम्पल यू कैन हैव तहजीब की एग्जाम्पल सो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि अगेन नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के रिटेलर के, के हवाले से क्वालिफाई करती हैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि सिर्फ फूड प्रोडक्ट शामिल नहीं है इसके अंदर शूज़ की कैटेगरी भी शामिल है बैग्स की कैटेगरी भी शामिल है तो ईसान चप्पल की एग्जाम्पल मैंने मैंशन की है स्टाइलो इज ऑल्सो वन ऑफ़ द एग्जाम्पल्स और मेट्रो शूज़ इसके अलावा इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स बाटा इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स सर्विस इज ऑल्सो वन ऑफ़ द एग्जांपल्स और इस तरीके से और भी आउटलेट्स जो के शूज या बैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेल कर रहे हैं टू द एंड कंज्यूमर दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स रिटेलर्स लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो मैंशन है एक कन्वीनियंस स्टोर के एग्जाम्पल के तौर पर लेट से आपको ये एक सोल्यूशन नजर आ रहा है ए एम पी एम स्टोर के नाम से इंटरनेशनल चेन है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करिए सारी दुनिया के अंदर सेवन इलेवन इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इट जो कि सेल कर रहे हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर और जब मैं यहाँ नॉन ड्यूरेबिलिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ इस बात को जहन नशीन रखें कि आई एम टॉकिंग अबाउट फूड प्रोडक्ट्स प्राइमरली और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज स्टोर्स के हवाले से तो शू स्टोर्स की बात की है या बैग स्टोर्स की बात कर रहे हैं या हम टेक्सटाइल स्टोर की बात कर रहे हैं या हम क्लोथिंग स्टोर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वो सारे चीज़ें हैं जो कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं एम पी एम इज़ वन ऑफ़ द गुड एग्ज़ाम्पल सेवन एलेवन इज़ वन ऑफ द गुड एग्ज़ाम्पल्स Examples, के सर्कल इज़ वन ऑफ़ द गुड एग्जांपल्स जो कि आपको नजर आएंगी इंटरनेशनली जो कि बड़े अच्छे तरीके से हेल्प करती हैं एक्सप्लेन करने के लिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स के रिटेलर को